गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहना, मौज करना, मजब रहना। तो गाइज आज है दशहरा मतलब दसरा। तो गाइज पहले तो आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको दिखाने वाले कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कैसे सेलिब्रेट किया जाते हैं दशहरा। तो गाइज चलो पहले तो आज सुबह सुबह भगवान जी का दर्शन वगैरह लेते हैं और पूरे घर को आज फूलों से सजाने वाले हैं, इस वजह से हम जाने वाले फूल वगैरह कुछ लाने के लिए। तो चलो पहले तो भगवान जी का दर्शन वगैरह कर लेते हैं। गाइस भगवान की पूजा करके हो चुकी है और हमें बनाने हैं बहुत सारी माला, तो उसे लगे कि बहुत सारे फूल, तो हम जा रहे हैं मार्केट में, तो देखते हैं डिस्काउंट विस्काउंट मिलता है कि नहीं। चलो तो गाइस आप देख सकते हो हमने कितने सारे फूल लाए हैं यहाँ पे, 100 रुपए में 2.5 किलो पूरा भर गया है, डिक्की भी भर गई, इतने फूल लाए हैं। तो गाइज आप देख सकते हो हमने कितने सारे फूल लाए और यहाँ पे आप देख सकते हो आम का पत्ता भी लाया है, मतलब हमारे आम का पेड़ है उससे पत्ते वगैरह कुछ तोड़े और हमको आज बहुत सारे हार बनाने हैं, बहुत सारे मतलब कुछ दरवाजे के लिए, बाकी गाड़ियों के लिए और एक छोटा सा जो हार है वो कार्तिक के साइकिल के लिए भी बनाना है। तो अभी कार्तिक 5 हार बनाने हैं, 5 नहीं ज्यादा लगेंगे, 5 से भी ज्यादा लगेंगे। तो अभी कार्तिक जो है भगवान के लिए छोटा सा हार बना रहा है। तो गाइस हमारा पहला छोटा सा हार हो चुका है रेडी, अब हम इसको भगवान के मंदिर में लगा के आते हैं। यहाँ पे चालू है रामायण का रावण का वध और यहाँ पे कार्तिक देखते देखते बना रहा है फूलों की मालाएं। घर कैसे सजा हुआ है और यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ फूलों की माला से पूरी सजा दी है और एक साइकिल मेरी धनु। तो गाइज देखते देखते शाम का वक्त हो चुका है, अभी बज रहे शाम के 6। तो गाइज आज जो है पूरा दिन काम में निकल गया, तो अभी हम दोस्त लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं दोस्त लोगों ने कि हम जाने वाले रेणुका माता का दर्शन करने के लिए। हमारे जो मतलब कॉलोनी के दोस्त थे वो पूरे मतलब 40-50 दोस्त लोग और 10-12 गाड़ी आए एक साथ जाने वाले रेणुका माता का दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे गरबा नाइट, आज वहाँ पे कोई तो सेलिब्रिटी आने वाली है तो गरबा नाइट भी एंजॉय करेंगे। पहले तो जाते हैं देवी माता का दर्शन वगैरह करके आते हैं। तो हरा शर्ट डाल के मैं हो चुका हूँ रेडी, कार्तिक ने भी डाला है कुर्ता और कार्तिक के हाथ में आपटे का बांध। तो गाइस ये है सोना, ये छोटे बच्चे बड़ों को देते और उनका आशीर्वाद लेते, इसे रियल में आपटे का बांध बोलते। हमारे यहाँ में इसे पुरानी परंपरा कहते हैं, ये जो आपटे का बांध है वो आशीर्वाद लेके बड़ों को देते है। तो शाम के वक्त जब मंदिर से आएंगे गरबा वगैरह करके तो बड़ों को देंगे। तो तो फाइनली गाइस दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं गरबा देखने के लिए। Thank you.
तो फाइनली गाइस बहुत सारा घर बगर के घर पे आ चुका हो और घर पे भी हमने पूजा वगैरह पूरी कर ली है, टीका वगैरह भी लगाए, अब खाना वगैरह खाते और जाते रावण दहन के लिए। हमारे रावण दहन के लिए तो गाइस कार्तिक भी आने वाला है रावण दहन के लिए। अब हम जाने वाले हैं खाना खाने के बाद रावण दहन के लिए। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ रावण का एक मुखड़ा बचा है। तो फाइनली गाइज रावण दहन करके घर पे आ चुका हूँ और घर में पूरा सोना सोना हो चुका है गाइज। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।